तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन के कबाब, जो अपने आप में एक बेहद ही एक डिलीशियस और प्रोटीन रिच डाइट है। इसको हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है सोयाबीन। इन सोयाबीन को मैंने 10 मिनट्स के लिए भिगो के रखा था। जब 10 मिनट्स हो गए थे, नॉर्मल पानी में ही भिगोया था, 10 से 15 मिनट्स में जो सोयाबीन होती है वो इजिली फूल जाती है। निचोड़ के पानी में से उसको एक बाउल में हम रख लेंगे। और ये चने की दाल है, इसको भी मैंने भिगो कर रखा था 5 से 6 घंटे के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर। ग्राइंडर में देखिए डाल देंगे फूली हुई चने की दाल। चने की दाल को फूलने के लिए 3 से 4 घंटे तो जरूरी चाहिए होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमने डाल दिया है इसको ग्राइंडर में। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और इसका छिलका भी रिमूव कर दिया है। 4 से 5 हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, 4 से 5 ही डालेंगे हम लहसुन की कलियाँ। उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, ताकि जो टेस्ट है वो एकदम तीखा सा मसालेदार बनकर तैयार हो। तो हमने इसको इसमें डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमें इसको थोड़ा सा दरदरा ही करना है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ग्राइंड करने के टाइम पर हमें इसमें बिल्कुल भी पानी को यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही दरदरा सा सूखा सा हमें इसको ग्राइंड करना है। और आप चाहते हैं अलग जार में सोयाबीन को ग्राइंड करना, तो आप अलग जार में भी कर सकते हैं। अगर आप इसी में ग्राइंड करना चाहते हैं तो इसी में भी कर सकते हैं। मेरा जार काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको इसी में ग्राइंड कर रही हूँ। तो इसको तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक खाली बाउल, और खाली बाउल में जो हमने ग्राइंड किया था मिक्सचर, उसको हम इसमें बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ग्राइंड हो गया है और स्मूथ सा ग्राइंड हुआ है। इतना ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होता, आपको पता ही है, क्योंकि सोयाबीन था तो मतलब ठीक तरीके से स्मूथ सा हो गया था। जितना भी स्मूथ हो सकता था मैंने उसको किया। तो अभी यहाँ पर इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी प्याज, बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च। तो हम इसमें पहले से ही ग्राइंड कर चुके हैं, तो हरी मिर्च तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम डालेंगे मसालों को। सबसे पहले चंकी चाट मसाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ और मसालों को, जिसमें हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि क्या है कि रंग भी थोड़ा अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। और उसके साथ साथ बाइंडिंग के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे सत्तू को। तो यहाँ पर मैं सत्तू को यूज़ कर रही हूँ। तो 2 चम्मच इसमें हम सत्तू को डाल देंगे, 2 या 1.5 चम्मच। इससे ज़्यादा हमें सत्तू को इसमें नहीं डालना है। और इन पूरे मिक्सचर को, जितने भी हमने मसाले डाले हैं, बारीक कटी सब्जियां डाली हैं, इनको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे एक स्पून की ही हेल्प से। तो आराम से ये मिल जाता है। थोड़ी देर तक इसको मिलाएंगे तो ये अपने आप ही मिल जाएगा, सॉल्ट भी अच्छे से मिल जाएगा। तो इधर देखिए मैंने इसको मिलाकर तैयार कर लिया है। अभी हो चुका है कम्प्लीटली तैयार। उसके बाद इसमें हम हींग डालना भूल गए थे, तो थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं ताकि डाइजेस्टिव बन जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसमें हींग डाला है। अब मैं इसको फिर से हींग को पूरे इसमें मिक्सचर में मिला लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा हैंड्स पर ऑयल या घी से ग्रीस कर लूँगी। और ग्रीस करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और इस तरीके से देखिए जो ओवल शेप होती है, इस तरीके में इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हुए बना लेंगे। तो एक को मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा फिंगर से शेप देंगे, थोड़ा सा हाथ से एक साइड से दबाएंगे और जो उसकी शेप है वो प्रॉपर वे में निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रॉपर वे में एक बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम एक और दिखा देती हूँ आपको मैं किस तरीके से बनाना है। तो दूसरा भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेम चीज़ कटलेट्स बहुत ईजिली बन जाते हैं, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है। और कढ़ाई में जाने के बाद जब हम इनको फ्राई करेंगे, या आप सेमी फ्राई करना चाहते हैं या आप डीप फ्राई करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं इनको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डीप फ्राई नहीं किया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले डाला एक नॉनस्टिक कढ़ाई में देसी घी, और देसी घी को यहाँ पर हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जब हमारी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो उसमें एक एक करके हम सोयाबीन के कबाब्स को डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला कबाब डाल दिया है। कढ़ाई में जो घी है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें डाल लेंगे सारे कबाब्स को। तो कबाब को हमें क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए सबको डाल दिया है, और एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे कबाब्स उतने ही हमें कढ़ाई में डाल लेने हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको बता देती हूँ कि गैस हमें मीडियम ही रखनी है। तो अब देखिए हमारे जो कबाब्स हैं वो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक एक करके सबको पलट लेंगे और लाइट ब्राउन होने तक भी दूसरी तरफ से सेक लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी सेम हमें यही कलर चाहिए, उससे पहले या उसके बाद में हमें नहीं उतारना है। तो ये देखिए पलट लिए हैं हमने सबको, और पलटने के बाद कुछ इनका जो टोटल जो कबाब्स हैं उनका कलर कुछ ऐसा आ गया है। तो अब इधर दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं, अब एक एक करके हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सारे कबाब प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको देखिए इसकी कितना ज़्यादा क्रिस्पी ये बना है इसकी आवाज़ मैं आपको सुनवाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनता है और अंदर से भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बाहर से एकदम क्रिस्पी होता है, तो खाने में तो लाजवाब लगने ही वाला है।